hit the subscribe button and ring the bell for latest update from Tutorial Different. हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एपिसोम प्लाज्मिड के पैरेलल में एक बैक्टीरियल पार्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एपिसोम के बारे में बताने से पहले बताना चाहिए क्या होता है। देखो, ये बैक्टीरिया में एक खुद का मेन जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके अतिरिक्त टाइनी सर्कुलर जो पार्ट होते हैं, जो सर्किल होते हैं, वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। अगर बाई चांस किसी भी वे में प्लाज्मिड मेन जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है तो उसे हम एपिसोम कहते हैं। अब बात आती है कि प्लाज्मिड और एपिसोम में डिफरेंट क्या होता है। तो फर्स्ट डिफरेंट होता है साइज़ का। प्लाज्मिड टाइनी सर्कुलर मटेरियल होता है, जबकि एपिसोम थोड़ा उससे बड़ा होता है। सेकंड वन डिफरेंट होता है, वो होता है सेल्फ रेप्लिकेशन का, जो कि प्लाज्मिड में क्षमता होती है, एपिसोम में सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होता है। और थर्ड वन जो डिफरेंट होता है वो होता है, हम एज ए वेक्टर प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं, एपिसोम को यूज़ नहीं करते हैं। ओके, और फोर्थ वन जो डिफरेंट होता है वो प्लाज्मिड होता है, जो मेन एंटीबायोटिक होते हैं उनके लिए सेंसिटिव हो सकता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन और जो एंटीबायोटिक होती है उनके लिए सेंसिटिव वे में जेनेटिकल मार्कर के रूप में काम कर सकता है, जबकि एपिसोम में ऐसा नहीं होता है। इन्हीं जो करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही हम प्लाज्मिड को एज ए वैक्टर यूज़ करते हैं। और आप देखोगे कि जो वैक्टर होता है, वेक्टर्स में जेनेटिकल मार्कर होना ज़रूरी होता है। ओके, तो एपिसोम, जैसे आप प्लाज्मिड में एफ फैक्टर अटैच कर दोगे, फर्टिलिटी फैक्टर, तो वो एपिसोम बन जाएगा। ओके, तो मेन जो डिफरेंट होते हैं यही होते हैं, एपिसोम साइज में बड़ा होता है, उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण नहीं पाया जाता है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता है। ओके, तो थैंक्स गाइस।